Hello student, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Okay student, today we will going to read chapter 7, Experiments with Water. Okay, experiment with water. What floats, what sinks? क्या तैरता है और क्या डूबता है? आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. जो आयशा नाम की एक लड़की है वो डिनर का वेट कर रही है. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड. आज उसकी मम्मी जो है फेवरेट फूड बना रही है, पूरी एंड स्पाइसी पटैटोज. क्या बना रही है? पूरी एंड स्पाइसी पटैटोज. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. आयशा ने क्या वॉच किया? उसकी मम्मी ने पूरी रोल की और पूरी को किस में डाल दिया? हॉट ऑयल में, गर्म तेल में. ठीक है. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक. क्या देखा? पहले उसने क्या देखा? पहले तो पूरी डूब गई. टू द बॉटम ऑफ द पैन. किस में? बॉटम ऑफ द पैन में. एज इट पफ्ड अप. फिर वो पफ्ड हुई, मतलब फूली और ऊपर आई. द पूरी कम अप एंड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. ओके. और वो पूरी ऊपर आई और तैरने लगी ऑयल पे, फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. ओके. ओन पूरी डिड नॉट पफ. वन पूरी डिड नॉट पफ. जो एक पूरी थी वो नहीं फूली अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर. ठीक है. एक पूरी नहीं फूली और वो दूसरी पूरियों की तरह फ्लोट नहीं कर रही थी, तैर नहीं रही थी. ऑन सीइंग दिस, ये सब देख के आयशा टुक सम डग. ये सब देख के आयशा ने कुछ डग लिया एंड रोल्ड इट इन टू अ बॉल. ठीक है. उसको बॉल में कन्वर्ट कर दिया, आटे का थोड़ा सा डग लिया और उसने बॉल में रोल किया. शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इनटू अ बॉल ऑफ वाटर. ठीक है. उसने कौन से बॉल में डाला? वाटर के बॉल में. अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड हियर. ऑफ, ये क्या हुआ? तो वो बॉटम में डूब गया और वहीं पे रह गया. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. थिंक व्हाट हैपन इफ. आयशा पुट ए पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर. वुड इट सिंक और फ्लोट. क्वेश्चन है, अगर आयशा पफ्ड पूरी, जो फूली हुई पूरी, पानी के बाउल में डालेगी, वुड इट सिंक, ये तैरेगी या डूबेगी? यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर. अगर आप वाटर में स्टील की प्लेट डालते, वुड इट सिंक और फ्लोट. वट वुड हैपन टू अ स्पून. क्या ये तैरेगा कि डूबेगा? स्पून के साथ क्या होता है? वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है. वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल, क्या प्लास्टिक बॉटल का जो कैप है पानी में डूबेगा कि तैरेगा? ये क्वेश्चन है ना. इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. ठीक है. शाम को आयशा कहाँ गई? वेंट फॉर अ बाथ, नहाने के लिए गई. शी हैड जस्ट कम आउट वेन हर मदर कॉल्ड. आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन. वो बाहर आई, उसकी मम्मी ने बुलाया, उसने बोला आयशा तुमने फिर से साबुन को किस में डुबो दिया? वाटर अगेन. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. इसे बाहर निकालो और उसको साबुनदानी में रखो, सोप केस में रखो. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ. आयशा ने जल्दी किया और सोप केस है जो गिर गया. आगे देखते हैं क्या हुआ. हर हैंड इज स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड द फ्लोट इवन विद द सोप इन इट. ठीक है. उसने देखा जो साबुनदानी थी वो कंटिन्यूसली पानी में फ्लोट कर रही है. ओके. तैर रही है. हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक. क्या आपने देखा है पानी में कोई चीज़ तैरते हुए या डूबते हुए? थिंक हाउ दिस हैपन्स. सोचिए ये कैसे होता है. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट है द पोएम हियर इज सच क्वेश्चन. ओके. नीचे ये पोएम है. सो इसको आपको रीड करना है. ओके स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको. आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ अ वाटर. आप खुद फाइंड करोगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी. ओके स्टूडेंट. नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट. हैव अ नाइस डे.